नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अराउंड द ग्लोब पर। आज तक की एक खबर के अनुसार ब्राजील में एक पति पत्नी के बीच हुए झगड़े की कीमत उनके 3 साल के मासूम बेटे को चुकानी पड़ी। दरअसल पति से झगड़ा होने पर उसे सबक सिखाने के लिए महिला ने अपने ही 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। अब इस मामले में कोर्ट ने महिला को 30 साल जेल की सजा सुनाई है। मिलेना आयरिस सेंटोस नाम की इस महिला ने साल 2019 में पति से झगड़ा होने के बाद अपने ही 3 साल के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद महिला ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करी, पर लोगों ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। दरअसल मिलेना ने अपने पड़ोसियों द्वारा अपने पति के बारे में कुछ बातें सुनी थी, जिसके बाद उसका अपने पति से झगड़ा हो गया। पति से अलग होने के बाद महिला ने अपने ही बेटे की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी महिला ने खून से लथपथ अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि अपनी पत्नी से प्यार करो, शादी एक गंभीर विषय है। मिलेना के अस्पताल में ठीक होने के बाद उस पर ब्राजील के पारा राज्य में हत्या का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उसे अपने ही मासूम बेटे की हत्या का दोषी पाया और 29 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। दोस्तों, इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अराउंड द ग्लोब के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।